भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजनीति के संत स्वर्गीय कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती शुक्रवार को नगर परिषद बागली में संत स्मरण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव, मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह, कमल यादव, भाजपा जिला महामंत्री पोपेन सिंह बग्गा उपस्थित रहे। इस दौरान सभी अतिथियों द्वारा थाना चौराहे पर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। साथ ही नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में अनेकों बातें कार्यकर्ताओं को बताई गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और इस क्षेत्र के वर्षों वर्ष तक नेतृत्व करता हमारे पितृपुरुष आदरणीय स्वर्गीय कैलाश जोशी की जन्म जयंती के अवसर पर हमने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है कि ऐसे पुरोधा, ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें मध्य प्रदेश में संत की उपाधि दी गई और उनके जिस विचारधारा राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने काम किया है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। स्वर्गीय कैलाश जोशी जी हमारे प्रणेता थे, हैं और रहेंगे। निश्चित रूप से वो राष्ट्रवाद के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है वो राष्ट्रवाद जनता के बीच में जाए, आने वाली पीढ़ी के बीच में जाए, इसलिए आज हमने जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।